और वो पी लेती हैं शराब शराब शराब। हाय गाइस, मैं शांतनु। एक शेर अर्ज किया है कि क्या बेंच दांत में क्या फंस गया मेरे, कल रात से चिकन मटन खा के। लास्ट में सुनाऊंगा, ऑनेस्टली जाएंगे, पूरा देख लो फटाफट। तो गाइज, MDTS का यानी मुठलैंड डिपार्टमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी और सलमान खान फिल्म्स, जो हमारी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, और ये डील करती है विद द नेचर, इफेक्ट्स एंड डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक, जाहिल एंड वेरी पॉइजनस सलमान खान फिल्म्स। के पास एक ऐसा केस, एक ऐसी पिक्चर आई सलमान भाई की कि उसको देखने के बाद हमारे चीफ साइंटिस्ट ने अपनी कलमें मूंड ली। एक साइंटिस्ट ने हमारे रिपोर्ट किया है कि उसकी 3 दिन से सुंडी में खारिश नहीं गई है, और साथ ही साथ झांगों के बीच में उसके रैशेज हो गए हैं। और हमारे चीफ वायरोलॉजिस्ट, जिनका सबसे घातक एक्सपोजर हुआ था इस पिक्चर से, उनका तो ये हाल है कि पिछले 3 दिन से वो मैक्सिकन भाषा में दीवार पर लिखे जा रहे हैं कि सलमान ही शैतान की किताब का रखवाला है, जिससे शैतान खुद थर थर कांपता है। और सलमान भाई की ये बुंड में हुए बाल तोड़ जैसी पिक्चर का नाम है शादी करके फंस गया यार। तो अपनी माँ को शराब पिला, अपनी बहन को शराब पिला, और जब तेरी बेटी होगी ना तो उसको शराब। बट फिर भी खतरों से खेलते हुए तुम्हारे जांबाज विशेषज्ञ शाम द पराशर ने ये गुत्थी सुलझा ली कि हमारे सैफुलन खुन भाई अभी तक मैरी क्यों नहीं है। भाई, वाई नॉट मैरी एक्सपोज्ड? तो बेसिकली सलमान भाई इस पिक्चर में अपने पीक टॉक्सिक संस्कारी लेवल पर हैं, और इस पिक्चर के थ्रू विवाहित जोड़ों को कुछ बड़े इंपॉर्टेंट विवाहित जीवन के लेसन देना चाह रहे हैं, जिसको सुनने के बाद, इस पिक्चर को देखने के बाद एक ही चीज निकलेगी आपके दिमाग से, आपके तन बदन में, कपड़ों में तो आग लग ही जाएगी, खून खौल उठेगा, बट साथ ही साथ आपके दिमाग से यही बात निकलेगी, सलमान हाउ इज लॉजिक वेयर गो। सलमान भाई, विवाहित जीवन लेसन नंबर 1, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे को ही घर छोड़ना पड़ेगा। ओके, शादी के बाद सलमान भाई घर नहीं छोड़ेंगे। जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़की लड़के के घर आती है। सलमान भाई, विवाहित जीवन लेसन नंबर 2, तुम लड़की हो भैया, तुम्हें हर काम पति की फैमिली से पूछ के करना है। ओके, हर काम मुझे तुम्हारी फैमिली से पूछ कर करना पड़ता है, मैं थक चुकी हूं जिस घर में। सलमान भाई, विवाहित जीवन लेसन नंबर 3, कि अगर तुम कोई हिंदुस्तानी लड़के हो जो विलायत में पले बड़े हो और तुमने खूब वहां पे अय्याशी के फार्म भरे हैं गोरी लड़कियों के साथ सलमान भाई के अकॉर्डिंग, बट अगर तुम्हें शादी करनी है तो शादी तुम्हें हिंदुस्तान की भोली भाली लड़की से ही करनी है रोटियां बनवाने के लिए। रॉकी चाहे काम अंग्रेजों के बीच में करता हो, मगर शादी एक हिंदुस्तानी भोली भाली लड़की से ही करेगा। तो हाईली हिपोक्रिटिकल एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक संस्कारों से भरी हुई ये पिक्चर शुरू होती है, और पहले ही 4 मिनट में संस्कारों से लबालब भरे हुए, ओवरफ्लो हो रहे सलमान भाई की माता जी कहती हैं, ऊपर वाला सबके जोड़े बनाकर भेजता है, तेरी भी जोड़ी बनाकर भेजी होगी। भगवान ने जोड़ी तो बनाई थी सलमान भाई की, लेकिन वो बच्चन के लड़के ने तुड़वा दी, भाई ने टैग भी ना करा भौजी को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में। और फिर सलमान भाई साहिल लौंडे को कोच करते हैं कि भैया, संस्कारी लड़के लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, अगर तुम्हारे कोई लड़की साड़ी में अच्छी लग रही हो तो जाके उसका सीधा 1-2-3 फ्रैंक हो जाओ और पल्लू खींच लो, क्योंकि संस्कारी लड़के तो ऐसे ही करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, मुझे बिल्कुल ऐसी साड़ी चाहिए, कहाँ से ली आपने? और अगर तुम एक सच्चे संस्कारी हिंदुस्तानी लड़के हो और एक लड़की को डेट पे लेके जाते हो और वो अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करने की कोशिश करती है, वहीं रोक देना उसको। क्या आज मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकता हूँ? क्योंकि सलमान भाई के अकॉर्डिंग अगर उसको फिश पसंद है और तुम्हें दम आलू, तो जोड़ी तो नहीं बन सकती भैया। इसलिए मुझे देखना है कि आपका टेस्ट मेरा टेस्ट देख रही है। और फिर 4 इधर-उधर की संस्कार की बातें चोद के सलमान भाई शिल्पा शेट्टी को पटा तो लेते हैं, बट शिल्पा शेट्टी पटने के बाद बोलती है कि सलमान, वुड यू गिव मी हग? अब यहाँ पे भैया तुम्हें पता है सलमान भाई हग, शादी से पहले हग तो फिर तुम ए संस्कारी हो जाओगे। गले लगना चाहते हो? इट्स ओके, शादी की बात। बट हग करने से मना करने के एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद सलमान भाई, सेक्स वर्जिन सलमान भाई, फोन पे शिल्पा शेट्टी के साथ ठोका पीटी की बात करने लग जाते हैं। सुनने जा रही थी क्या पहनी, क्या हो? नाइटी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? फिर फाइनली शिल्पा शेट्टी को शादी के लिए अग्री कराने के बाद सलमान भाई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो शादी कर लेंगे तो उनकी माँ का ख्याल कौन रखेगा, टू विच उनके जिगरी दोस्त उनको ये सलाह देते हैं, अरे माँ का कौन ख्याल रखेगा? अरे माँ का ख्याल जो शादी करके आएगी वो रखेगी यार, पक्की बात, 100%। फिर हो जाती है शिल्पा शेट्टी से गलती, यानी सलमान भाई से कर लेते हैं पिक्चर में शादी, और मौका देखते ही सबसे पहला काम क्या कराते हैं हमारे टिपिकल हिंदुस्तानी संस्कारी सलमान भाई, उसकी मॉडलिंग जॉब छुड़वा देते हैं, क्योंकि तुम औरत हो और तुम संस्कारी हो, मॉडलिंग थोड़ी करोगी। मैं कोई काम करना चाहती हूँ। देखो, मॉडलिंग के अलावा जो करना करो, you understand? और शादी के तुरंत ही बिना कोई टाइम वेस्ट करे सलमान भाई दूसरे दिन ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं शिल्पा शेट्टी को कि भैया सुन लो मेरी बात, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो कमरे के जब तुम अंदर हो बेडरूम के अंदर, तो तुम्हारे वो रहेंगे ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। ये ऊपर से थोड़ी सी नीचे है और नीचे से थोड़ी सी ऊपर है, और जब तुम कमरे के अंदर हो मेरे साथ तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। बेडरूम में ऊपर से थोड़ा सा और नीचे, और नीचे से थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। फिर शिल्पा शेट्टी मैडम से एक और गलती हो जाती है, और वो संस्कारी सलमान भाई से गलती से ये एक्सपेक्ट कर लेती हैं कि अभी शादी को थोड़े ही दिन हुए हैं, हम दोनों पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए अकेले पिक्चर देखने जा सकते हैं, विच इज
अकॉर्डिंग टू सलमान भाई बिल्कुल ए संस्कारी है वो, घर परिवार वाले साथ में जाएंगे नहीं तो बिल्कुल जीरो संस्कार तुम्हारे, जीरो अंडा। अरे मैं तो ये सोचा तुम खुश होगी सबके साथ जाने में। बीवी अपने हस्बैंड के साथ अकेले जाने में खुशी महसूस करती है, पूरी पलटन के साथ नहीं। फिर शिल्पा मैडम ए संस्कार की सारी सीमाएं लांघ जाती है और सलमान भाई से एक बड़ी लॉजिकल बात करती है और कहती है कि भैया तुम और मैं क्या एक अलग घर में रह सकते हैं, और क्या मैं अगर अपना घर छोड़ के आई हूँ तो मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती। मैं सोच रही थी अगर हम दोनों एक छोटा सा घर लेके अलग से रहे तो। मैंने कहा ओ माई गॉड शिल्पा, अब जैसे ऐश्वर्या थपेड़ी गई थी तुम थपेड़ी जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करती। You're a girl ना, तुम लड़की हो इसलिए। तो फिर शिल्पा शेट्टी को सीखने को मिलता है कि अगर तुम अपनी कमाई से अपनी पसंद की कोई ऐसी चीज लाओगी अपने लिए जो तुम्हारा पहनने का मन है, कपड़े हो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे पति की बहन को चाहिए या तुम्हारे पति की माँ को चाहिए। मुझे वो चीजें अच्छी लगी थी तो मैंने खरीदी, वो भी अपने पैसों से, और तुमने उन्हें दे दी, मुझे पूछा तक नहीं। तो वो तुम्हारे से बिना पूछे उनको दे सकता है, जीरो कंसेंट, ओके, डोंट आस्क हिम क्वेश्चन। उसके पास रहे तुम्हारे पास रहे फर्क क्या पड़ता है। अब भैया 50-60 मिनट के थूके और गुटके जैसी ये पिक्चर देखने के बाद मैं अंदर ही अंदर रियलाइज कर रहा था क्या इससे ज्यादा डिमीनिंग और टॉक्सिक टुवर्ड्स वुमेन ये पिक्चर हो सकती है। एंड देन सलमान भाई शोज अप ऑन द स्क्रीन एंड सेज अभी तो तुमने ये संस्कार और संस्कार देखे ही नहीं। शादी के 4 महीने के अंदर अंदर सलमान भाई इम्प्रेगनेट कर देते हैं शिल्पा शेट्टी को, और जब शिल्पा शेट्टी को पता लगता है तो पागल लड़की बेवकूफ औरत, वो जाके सलमान भाई को बोलती है सलमान भाई मैं अभी ये बच्चा नहीं चाहती, मैं रेडी नहीं हूँ बच्चे के लिए, मेरा करियर नहीं है, मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। तो ऑफ कोर्स ना सलमान भाई उसको डराएंगे धमकाएंगे, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे भैया तू औरत है तू बच्चे जमने के लिए पैदा हुई है ना यार, तुमने कुछ और एक्सपेक्ट कैसे कर लिया सलमान भाई से। मुझे ये बच्चा चाहिए समझी, मुझे ये बच्चा चाहिए बस। फिर ये एक्सट्रीमली संस्कारी मूवी आगे बढ़ती है और अनफॉर्चुनेटली शिल्पा शेट्टी गिर जाती है और उनका हो जाता है मिसकैरेज, टू विच तुम्हें लगेगा कि सलमान भाई बीइंग अ हस्बैंड आएंगे और पूछेंगे कि कैसी हो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम देख लेंगे। नहीं, सलमान खान स्ट्रेट अप गोज एंड सेज कि तुमने मेरा बच्चा गिरा दिया, तुमने उसको अबॉर्ट करा दिया क्योंकि 4 दिन पहले तुमने लॉजिकली सोचते हुए ये मुझे बोला था कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं, तो ऑफकोर्स तुमने अबॉर्ट ही कराया, मिसकैरेज तो हो नहीं सकता। हमारा बच्चा नहीं रहा, आई हैड अ मिसकैरेज, तुमने इसे अबॉर्ट किया, तुमने इसे गिरवाया। फिर शिल्पा शेट्टी एक बार और लांग देती हैं शर्म और ए संस्कार की सारी सीमाएं और वो पी लेती हैं शराब शराब शराब। एंड नाउ नाउ बेबी नाउ यू नो दैट इफ यू आर अ डेट सलमान खान एंड यू ड्रिंक एल्कोहल बीइंग अ वुमन, नो 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 दैट्स अ बिग ए संस्कार। और इसी के रिस्पांस में सलमान भाई शिल्पा शेट्टी को जड़ देते हैं उनकी कनपट्टी पे एक गीला रैपट। Next second, तुम्हें मारी खाना है ना? अब इसी रैपटबाजी के रिस्पांस में सलमान भाई की माँ कहती है उनको, यार तूने बड़ा गलत किया, तूने उसकी गुद्दी क्यों थपेड़ी, खुद सोच, कल को तेरी बहन का पति उसकी गुद्दी थपेड़ दे तो तू क्या करेगा। उसके रिस्पांस में चार आदमी ये कहता है, अगर ऐसे बिहेव करती है उस हस्बैंड को चाटा मारता तो ठीक ही कर, बिल्कुल सही है। सलमान भाई एक और बार शिल्पा शेट्टी के कंसेंट के बिना उनको इंप्रेग्नेट कर देते हैं जस्ट आफ्टर 3.5 months ऑफ हर फर्स्ट मिसकैरेज, बिकॉज ऑफ कोर्स इन सलमान्स वर्ल्ड अ वुमन इज ऑल इज बॉर्न टू गिव बर्थ टू बेबीज। मां बनने वाली हो और तुम मेरे बच्चे को फिर से मानना चाहती हो। और जैसे कि तुमको पता ही है सलमान खान ने आज तक कभी कोई कोर्ट केस नहीं हारा, इस पिक्चर में भी शिल्पा शेट्टी और उसके अनबॉर्न बेबी को वो कोर्ट में ले जाते हैं घसीट के और वहां पे बकचोदी के फार्म भर कर एक अनबॉर्न बेबी की कस्टडी ले लेते हैं। मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। ये रीजन साइट करके कि भैया शिल्पा शेट्टी ने सलमान खान के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करे हैं पिक्चर में, टू विच आई वाज लाइक आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते। एक सीन तो बाय गॉड इतना ज्यादा वाहियात है, सलमान भाई के हाथ में उसकी एक न्यू बॉर्न बेटी होती है और वो उसको देख के कहता है कल को तेरे को भी किसी के घर जाना है। मैंने कहा ओ लोड़े के अभी पूरे 1.5-2 घंटे हुए हैं उसको इस दुनिया में, तूने उसको पहले ही भेजने का वो ठीकरा फोड़ दिया उसके सर पे। क्योंकि एक लड़की है, एक दिन इसे पराए घर जाना है। पिक्चर में शक्ति कपूर जी भी हैं जो काफी ज्यादा दबाए जाते हैं अपेरेंटली अपनी बीवी के द्वारा इस पिक्चर के अंदर, तो पिक्चर वालों को लगा और सलमान भाई को लगा कि यार अब ये इसकी अभी मर्द तो नहीं है, ये एक्चुअली में मर्द कैसे बनेगा, तो एक काम करो शक्ति जी आप थप्पड़ जड़ देना आंटी को दो। हाउ डेयर यू बेवकूफ औरत। और फिर जाते जाते लास्ट शॉट में सलमान भाई ये कह देते हैं, ये गुत्थी रिवील कर देते हैं कि वो बेचारे इतने परेशान हो गए थे शिल्पा शेट्टी के अत्याचारों से कि अब वो दोबारा शादी नहीं करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि इन 7 महीनों में मैंने 7 जन्मों के विवाहित जीवन को जान लिया है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। औरतों से बदसलूकी और उनको थपेड़ने की रस्में जो बची खुची रह गई थी इस पिक्चर के अंदर वो कुछ 2 पुलिस वाले आके पूरे कर देते हैं जब वो ये कहते हैं हफ्ते में 4 दिन ना बीवी को चमाट मार दिया करो तबीयत ठीक। वेरी सीरियसली आई एम गोइंग टू से दिस,
फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश ये पिक्चर एक एम्बेरसमेंट है। ये पिक्चर इतनी ज्यादा गलत है इतने सारे लेवल्स पे। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है बार बार कि एक औरत की जगह सिर्फ रोटियां बेलने के लिए बच्चा पैदा करने के लिए है। भैया जो दिखाते हैं वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है हमारे इंडियन सोसाइटी की। बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज में औरतों को ऐसे ही रखा जाता है, बहुओं को ऐसे ही रखा जाता है, उनकी नौकरियां छुड़वा देते हैं, उनके पति ये सोचते हैं भैया ये औरत है तो इसका काम है बच्चे को जन्म देना। ये दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर, दिखाया नहीं इसको ग्लोरीफाई किया गया है, और इसको ग्लोरीफाई किया गया है बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के थ्रू। तो भैया मोतियाबिंद जैसी वाहियाती से भरी पिक्चर से आप जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। और इस हफ्ते आप ये वाली 5 रिकमेंडेशन देख लो, मदर इंडिया, जाबाज, यलगार, कुर्बानी, मिडसमर। तो भैया मैं चला इसब गोल लेने, जो मेरी टट्टी अटक गई है एकदम एक गंदी सी पिक्चर देखने के बाद। तो एक काम करो तुम जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, वहां पे बड़ी मस्त राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस करते हैं हम, काफी इंटेलिजेंट हैं। बाय बाय, टाटा, बाय बाय बाय, जाओ डू व्हाटएवर डू यार। Why not Mary exposed? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर।